तो हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं YouTube हैंडल्स के बारे में। YouTube ने रिसेंटली एक नया फीचर, नया अपडेट निकाला जिसमें उसने इंट्रोड्यूस किया YouTube हैंडल्स। ये हैंडल्स एक इंस्टाग्राम हैंडल की तरह, जैसे @ होता है @ अक्ष.वर्मा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वैसे ही अब आपको YouTube के लिए भी एक हैंडल मिलेगा जहाँ जिसको अगर कोई यूज करेगा मेंशन करने के लिए, ऐड करने के लिए, और उस पर क्लिक करके डायरेक्ट कोई आपके चैनल तक पहुंच सकता है। तो ये हैंडल का काम है। हैंडल क्या होता है आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, बेटर अभी आप और समझ जाओगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी चीज करेंगे, हैंडल को अपने रजिस्टर करेंगे। लास्ट नाइट मुझे एक मेल आया था जिसमें उन्होंने मुझे हैंडल के बारे में बोला कि हमने आपका हैंडल ऑलरेडी रिजर्व कर दिया। ये है वो मेल कि इन्होंने मेरा हैंडल ऑलरेडी रिजर्व कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे पास, मैंने ऑलरेडी अपना कस्टम URL लगा रखा है अपने चैनल पर, मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल है अक्ष वर्मा, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर मैंने ऐसा कर रखा है। जो मेरे चैनल का URL है वो है youtube.com/akshwarma, तो ये मेरा कस्टम URL है। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा जो हैंडल था वो भी रिजर्व कर दिया, जो होगा youtube.com/@akshwarma। तो अभी हम उसको कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई, हमें यही हैंडल चाहिए। और एक बार एक हैंडल किसी ने ले लिया तो वो हैंडल दोबारा कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो मैं अपना हैंडल पहले लेता हूँ और आप भी अपना हैंडल ले लेना, ठीक है? तो यहाँ पर ये हैंडल का पेज है, हाई देयर योर हैंडल इज रिजर्व्ड, योर हैंडल इज @akshwarma। तो अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग चैनल URL, जैसे आपका भी होगा अगर आपने चैनल URL कस्टमाइज होगा आपका, तो वो मेरा करंटली ऐसा है youtube.com/akshwarma। अगर यहीं पे हैंडल की बात करूँ तो youtube.com@akshwarma डायरेक्ट जो मेरा हैंडल अब होगा, कोई क्लिक करके डायरेक्ट मेरे चैनल पर जंप कर सकता है, ठीक है? अब ये फायदेमंद कैसे हो सकता है अगर बात करें, तो मेनली जो मुझे नज़र आता है भी, जैसे इन्होंने बता रखा है यहाँ पर भी कि शॉर्ट्स, अगर आप शॉर्ट्स डालते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स डालते हो, तो आपका हैंडल नज़र आएगा, आपका चैनल का नाम नहीं, आपका हैंडल नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका हैंडल आएगा जिस पर क्लिक करके लोग डायरेक्ट आपके चैनल पर जंप कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बार में भी आपका हैंडल के नाम से आएगा। अगर कोई आपके साथ, कोई आपको मेंशन करता है, टैग करता है, कोई जैसे वीडियो के टाइटल में आपको लिखता है तो @akshwarma जैसे मेरा आएगा, तो मेरा हैंडल वहाँ पर आ जाएगा, वो डायरेक्ट कोई क्लिक करके मेरे चैनल पर जंप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ईजी हो गया, अब नाम की हर जगह जरूरत नहीं है, हैंडल से काम बन जाएगा। आप सिर्फ हैंडल डाल के कोई आपके चैनल पर डायरेक्ट आ सकता है। तो मेनली जो हमारे हैंडल है वो तीन जगह यूज होंगे। सबसे पहले शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में आएंगे, दूसरे हमारे कमेंट्स मेंशन में, और तीसरे हमारे सर्च रिजल्ट में। सर्च रिजल्ट में भी इनका यूज होगा। अभी अपने को क्या करना है, मेरा ऑलरेडी रिजर्व है, एक बार मैं चेंज हैंडल पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसे, तो मैं यहाँ से चेंज करके, आप जैसे करोगे अपने अकॉर्डिंग, आप ना चेंज कर देना, लिख देना नाम और आपका हैंडल कंफर्म कर देना, उसके बाद ये आपका हैंडल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे youtube.com@akshwarma, ये ईजिली हो चुका है। तो ईजी काम है, ज़्यादा टफ काम नहीं है, मेरा ऑलरेडी हो रखा है, यूट्यूब ने कर दिया है मेरे लिए, तो मैं इसको कन्फर्म सिलेक्शन कर देता हूँ, कन्फर्म सिलेक्शन। तो ये था हमारा पूरा तरीका कि कैसे आपको यूट्यूब हैंडल लेना है। हमने अभी अपने चैनल का हैंडल तो ले लिया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा पूरा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।